नमस्कार, मैं अमृता सुथार। आज अपन बनाएंगे दाल धाबा। धाबा स्टाइल की दाल घर में बनाएंगे। सभी लोग बोलते हैं इतना आसान नहीं होता है, धाबे जैसे टेस्ट घर पे आए, मगर आज ऐसा टेस्ट आएगा और अपन ऐसी दाल बनाएंगे आज। इसके लिए सबसे पहले अपने को ज़रूरत होती है दाल की। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले तुअर दाल, छिलके वाली मूँग दाल, चना दाल बिना छिलके वाली मूँग दाल और उड़द की दाल। इन पाँचों दालों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको धो के कुकर में डाल देंगे। कुकर में इस डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद कुकर को बंद कर देंगे और इसकी 4 से 5 सीटी लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चने की दाल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, इसलिए 4 से 5 सीटी ले लेंगे। दाल अपनी उबल के जब तक तैयार होती है तब अपन इन्हें तड़के की और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी लहसुन, हरी मिर्ची कटी हुई, 2-3 मैंने हरी मिर्ची काट के रख ली है, तेज़पत्ता, 2 लौंग, गरम मसाला और पूरा सूखा हुआ धनिया, साबुत धनिया बोलते हैं अपन इसको, और लाल मिर्ची सूखी हुई साबुत और अदरक। और ग्रेवी के लिए ज़रूरत पड़ेगी अपने को 4-5 प्याज, इसको कटिंग करके मिक्सी में पीस लेंगे, और 4-5 टमाटर इसको काट के और मिक्सी में पीस लेंगे। और इसके लिए नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, पिसा हुआ धनिया, हींग और हल्दी। सबसे पहले तड़के के लिए अपने को इसको कूट लेंगे। रुक जाए, कढ़ाई रखेंगे, गैस चालू करेंगे और इसके अंदर ये घी गरम होता है। ये अपना घी गरम हो चुका है, इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे अपनी। इसमें हींग का डबल तड़का लगेगा। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ते डालने के बाद इसको हल्का सा सब में पकाएंगे। बोल रहे थे प्याज डाल देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें टमाटर का पल डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। अब इसको 5 से 7 मिनट पकने देंगे। ये अपनी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें अपन उबली हुई दाल डाल देंगे। इसको उबाल आने तक छोड़ देंगे। इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, धनिया, हरा धनिया डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। इसके अंदर एक प्याला रखेंगे अपन इस तरह से, जो इसमें टिक जाता है। अंगीरे रखेंगे अपन,
ऊपर घी डालेंगे, इसके ऊपर हींग डाल देंगे, इसको 5 मिनट तक रखेंगे। दो से 3 मिनट तक अपन ने रखा है, अब इसको धीरे से सेफ्टी से इस बर्तन को बाहर निकाल लेंगे। ढाबा स्टाइल दाल बन के तैयार हो चुकी है, अब इसको सर्व कर सकते हैं अपन। आप बना के देखिए कैसी बनती है, पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।